नमस्कार, रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी सूजी का लैंचा कैसे बनाते हैं। ये मिठाई बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं सूजी का लैंचा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लैंचा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप मैदा, मैदा और सूजी एक ही मात्रा में ले, 2 छोटी इलायची को ऐसे छिलका निकाल के रखा है, 3 बड़ी चम्मच घी, शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 कप शक्कर लिया है, यह है 3 कप दूध और लैंचा को फ्राई करने के लिए चाहिए रिफाइंड ऑयल। अभी एक मिक्सिंग बोल पे सूजी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूध को मैंने उबालने के लिए दे दिया है, तो अभी इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। इलायची देने के बाद दूध को 1 मिनट के लिए और उबाल दूँगी। 1 मिनट हो चुका है, तो सूजी और मैदा का जो मिक्सर बनाया था वो डाल दूँगी इसमें। एक बार तो इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी और इसको चलाते रहूँगी। कभी कभी सूजी के क्वालिटी की वजह से दूध थोड़ा सा ज़्यादा लगता है या कम लगता है, तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा दूध चाहिए तो आप ऐड करके और थोड़ी देर के लिए इसे पका सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये ठंडा हो चुका है। जैसे मैदे का डो बनाते हैं उसी तरह हाथ से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है। जैसे रोटी पराठा बनाने के टाइम हम इसे सॉफ्ट बनाते हैं, ये वैसे ही सॉफ्ट है। तो अभी हम इससे एक लोई निकालेंगे, इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। अभी इसको हल्का सा लंबा कर देंगे। लैंचा का साइज आपको जैसा पसंद है, इससे बड़ा या इससे थोड़ा सा छोटा, आप उसी हिसाब से बनाइए। ये तैयार हो गया है। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर बनाइए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। ये भी तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी लैंचा को भी तैयार कर लूँगी। लैंचा फ्राई करने के लिए तैयार है और शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पानी को भी उबालने के लिए दे दिया है। अभी इसमें ऐड करूँगी शक्कर। मैंने 4 कप पानी लिया है, जितना हम शक्कर लेंगे उससे डबल पानी लेंगे। जब तक शक्कर गल नहीं जाता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। शक्कर अच्छे से गल गया है, जब तक ये पानी गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हम इसे उबालेंगे। शुगर सिरप तैयार हो गया है। अभी मैं इसको दूसरे ओवन पे ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसे लो फ्लेम में उबालने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं तेल को गर्म होने दूँगी। गैस का फ्लेम में हाई कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो गैस का फ्लेम में लो कर रही हूँ और अभी इसमें ऐड करूँगी घी। अभी मैं इसमें लैंचा को छोड़ दूँगी। तेल में घी ऐड करने से बहुत अच्छा खुशबू आता है। आप चाहे तो पूरे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो थोड़ी देर के लिए इसे और फ्राई करेंगे। घी देने से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। लैंचा फ्राई हो चुका है, तभी मैं इसको तेल से निकाल लूँगी और शुगर सिरप पे डाल दूँगी और इसी प्रोसेस में बाकी लैंचा को भी तैयार कर लूँगी। ध्यान में रखिए हम इसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालेंगे, 1 मिनट बाद ही इसे चाशनी से निकाल लेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और आप इसे यहाँ से उठा नहीं पाएंगे, ये टूट जाएगा। तो जो मैंने पहले छोड़ा था उसे उठा रही हूँ और बाकी जो है उसे 1 मिनट के लिए और उबालने दूँगी। सूजी का लैंचा बनके तैयार हो चुका है।
ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हुआ है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए।